जय भीम साथियों, दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। बाबा साहब अंबेडकर के परिवार की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपको बाबा साहब की अब तक की पीढ़ी के बारे में सही और सटीक जानकारी लेनी है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स में बाबा साहब अंबेडकर अब तक की पीढ़ी के बारे में बताया है। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन सही जानकारी मिलेगी। मैं इस चैनल पर आपके लिए रोजाना बाबा साहब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज डॉक्टर अंबेडकर जी का परिवार कहाँ है, क्या करता है, इसमें कितने लोग हैं, इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, परंतु आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के परिवार से जुड़ी खास बातें। अंबेडकर का परिवार भारत का एक सामाजिक राजनीतिक परिवार है जो महाराष्ट्र में रहता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था तथा निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। ये परिवार बाबा साहब का ही है जो एक भारतीय पॉलीमैथ, मानवाधिकार कार्यकर्ता, भारतीय संविधान के निर्माता और भारत गणराज्य के पिता थे। वर्तमान में डॉक्टर अंबेडकर के वंशज राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अब बाबा साहब की तीसरी और चौथी पीढ़ी चल रही है। आज बाबा साहब के परिवार में उनकी बहुए, 3 पोते, 1 पोती तथा पड़पोते और पड़पोतियां जीवित हैं। आमबड़वेकर गांव अंबेडकर परिवार का मूल है। अंबेडकर परिवार भारत के आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तालुका में आमबड़वे गांव से मराठी पृष्ठभूमि का था। इस गांव में डॉक्टर बी आर अंबेडकर के पूर्वज रहते थे और उस समय उनके परिवार का नाम या उपनाम सकपाल, मराठी में सकपाल था। बाबा साहब अंबेडकर के दादा मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारत की सेना में एक सैनिक थे और बाद में उनके बेटे रामजी सकपाल, बाबा साहब अंबेडकर के पिता, ने ब्रिटिश भारत की सेना में मेजर सूबेदार के रूप में कार्य किया। रामजी सकपाल के 14 बच्चे थे, उनमें से सबसे छोटे भीमराव बाबा साहब अंबेडकर थे। और मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अंबेडकर 14वीं और आखिरी संतान थे। महू डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि है, इसलिए सन 2003 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस शहर का नाम बदलकर डॉक्टर आंबेडकर नगर रख दिया गया है। भीमराव को उनके दूसरे नाम भीम, भीमा, भीवा और बाद में बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। भीमराव का उपनाम सरनेम सकपाल था लेकिन उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम आंबड़वेकर के रूप में दर्ज किया, जिसका अर्थ है कि यह उनके पैतृक गांव आंबड़वे से आता है। भीमराव के देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर ने प्रताप सिंह हाई स्कूल के रिकॉर्ड में उनका उपनाम आंबड़वेकर से बदलकर अपने स्वयं के उपनाम अंबेडकर में बदल दिया। 1909 में भीमराव अंबेडकर की रमाबाई से शादी हुई। उस समय बाबा साहब की उम्र 16 वर्ष और रमाबाई की आयु 9 वर्ष थी। उनके 5 बच्चे थे, 4 लड़के और 1 लड़की थी। लड़कों के नाम यशवंत, गंगाधर, रमेश, राजरत्न और लड़की इंदु थी। यशवंत के अलावा अन्य 4 की 2 साल की कम उम्र में मृत्यु हो गई। यशवंत अकेले उनके वंशज के रूप में जीवित रहे। यशवंत अंबेडकर का जन्म सन 1912 में हुआ था और यशवंत अंबेडकर बाबा साहब के सबसे बड़े बेटे थे। सन 1977 में यशवंत अंबेडकर का निधन हो गया था। उनके बच्चे अभी भी जीवित है जिनसे आज हम आपको मिलाएंगे। 1935 में पहली पत्नी रमाबाई का निधन हुआ। इसके बाबा साहब ने 13 साल बाद 1948 में सविता अंबेडकर से दूसरी शादी की। और मैं आपको बता दूं, सविता अंबेडकर का नाम पहले शारदा कबीर था और ये उस समय बाबा साहब की नर्स की तौर पर काम करती थी क्योंकि उस समय बाबा साहब बीमार रहते थे। और हाँ, ये ब्राह्मण परिवार से थी। बाबा साहब से शादी होने के बाद इनका नाम बदलकर सविता अंबेडकर कर दिया था। उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर की कोई संतान नहीं थी। बाबा साहब के इकलौते बेटे यशवंत ने मीराबाई से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। बेटों के नाम प्रकाश अंबेडकर, भीमराव और बेटी का नाम रमा है। रमा ने एक विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े से शादी की। आइए अब जानते हैं एक एक करके सकपाल परिवार की पीढ़ियां, अर्थात बाबा साहब के जीवन से पहले की पीढ़ी। पहली पीढ़ी सकपाल परिवार की। मालोजी सकपाल भारत की ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे। ये बाबा साहेब अंबेडकर के दादा थे। दूसरी पीढ़ी सकपाल परिवार की। मालोजी सकपाल के 4 बेटे और 1 बेटी सहित 5 बच्चे थे। मीराबाई सकपाल मालोजी सकपाल की बेटी, रामजी सकपाल की बड़ी बहन और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की बुआ थी। उन्होंने बालक भीमराव बाबा साहेब की देखभाल की थी।
रामजी मालोजी सकपाल, जिन्हें हम रामजी अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ब्रिटिश भारत की सेना में सूबेदार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पिता थे। भीमाबाई सकपाल लक्ष्मण मुरबाड़कर की बेटी, रामजी सकपाल की पहली पत्नी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की माँ थी। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय बाबा साहेब महज 5 वर्ष के थे। जीजाबाई सकपाल रामजी सकपाल की दूसरी पत्नी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सौतेली माँ थी। अपनी पहली पत्नी भीमाबाई के निधन के बाद रामजी सकपाल ने जीजाबाई से शादी की थी। आइए अब जानते हैं एक एक करके बाबा साहब अम्बेडकर की पीढ़ियां। अम्बेडकर परिवार की पहली पीढ़ी। रामजी सकपाल और भीमाबाई को कुल 14 बच्चे हुए थे, जिनमें 3 बेटे 4 बेटियां थीं तथा अन्य 7 बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। बालाराम रामजी सकपाल, जिन्हें बलराम अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के बड़े भाई थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को शिक्षित करने के लिए नौकरी की थी। गंगाबाई लाखावड़ेकर बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ी बहन थी और दूसरी बहन रमाबाई मालवणकर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये भी बड़ी बहन थी। आनंदराव रामजी सकपाल आनंदराव अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाई थे। लक्ष्मीबाई आनंदराव सकपाल आनंदराव की पत्नी और बाबा साहेब अम्बेडकर की भाभी थीं। मंजुलाबाई येसु पंदिरकर बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ी बहन थीं। तुलसाबाई धर्म कांतेकर बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ी बहन थीं। भीमराव रामजी अम्बेडकर उर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रामजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की अंतिम संतान थे। रमाबाई भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर की पहली पत्नी थीं। सविता अम्बेडकर एक सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर और बाबा साहेब अम्बेडकर की दूसरी पत्नी थीं। अब जानिए बाबा साहेब अम्बेडकर की दूसरी पीढ़ी के बारे में। यशवंत भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब और रमाबाई अम्बेडकर की इकलौती संतान थे। वे सामाजिक कार्यकर्ता, संपादक, बौद्ध कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। वह भारतीय बौद्ध महासभा के दूसरे अध्यक्ष थे। मीराबाई यशवंत आम्बेडकर यशवंत की पत्नी और बाबा साहेब आम्बेडकर की बहू हैं। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हालांकि आज भी वह भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष होने का दावा करती हैं। मुकुंद राव आनंद राव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के भतीजे थे। शैलजा मुकुंद राव आम्बेडकर मुकुंद राव की पत्नी। अब जानिए बाबा साहेब आम्बेडकर की तीसरी पीढ़ी के बारे में। यशवंत और मीरा के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। प्रकाश यशवंत आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के सबसे बड़े पोते हैं। वह एक राजनीतिज्ञ, वकील और वंचित बहुजन आघाड़ी नामक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। अंजलि प्रकाश आम्बेडकर पूर्व प्रोफेसर, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाश आम्बेडकर की पत्नी है। रमाबाई आनंदराव तेलतुंबड़े बाबा साहेब आम्बेडकर की इकलौती पोती हैं। वह एक बौद्धिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े की पत्नी है। इनकी 2 बेटियां हैं, भीमराव यशवंत आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के दूसरे पोते हैं। दर्शना भीमराव आम्बेडकर भीमराव आम्बेडकर की पत्नी है। आनंदराज यशवंत आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के सबसे छोटे पोते हैं। वह एक राजनेता है और रिपब्लिकन सेना नामक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। मनीषा आनंदराज आम्बेडकर आनंदराज आम्बेडकर की पत्नी है। अशोक मुकुंदराव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव के पोते थे। उन्होंने के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह राजरत्न आम्बेडकर के पिता हैं। अश्विनी अशोक आम्बेडकर अशोक आम्बेडकर की पत्नी है। दिलीप मुकुंदराव आम्बेडकर बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव के पोते हैं। 13 अगस्त 2020 को उनका निधन हुआ। अलका दिलीप आम्बेडकर दिलीप आम्बेडकर की पत्नी है। विद्या काशीनाथ मोहिते बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव की पोती हैं। सुजाता रमेश कदम बाबा साहेब आम्बेडकर के भाई आनंदराव की पोती हैं। अब जानिए बाबा साहेब आम्बेडकर की चौथी पीढ़ी के बारे में। सुजात प्रकाश आम्बेडकर अंजलि और प्रकाश आम्बेडकर के इकलौते पुत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर के सबसे बड़े पड़पोते हैं। प्राची आनंद तेलतुंबड़े रमाबाई और आनंद तेलतुंबड़े की बेटी हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर की पड़पोती हैं। रश्मि आनंद तेलतुंबड़े रमाबाई और आनंद तेलतुंबड़े की बेटी हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर की पड़पोते हैं। रीतिका भीमराव आम्बेडकर दर्शन और भीमराव आम्बेडकर की बेटी हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर की पड़पोती हैं। साहिल आनंद राज आम्बेडकर मनीषा और आनंद राज आम्बेडकर के बड़े पुत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर के पड़पोते हैं। अमन आनंद राज आम्बेडकर मनीषा और आनंद राज आम्बेडकर के छोटे पुत्र और बाबा साहेब आम्बेडकर के पड़पोते हैं। संदेश अशोक आम्बेडकर बाबा साहेब के भाई के पड़पोते। चारुशीला संदेश आम्बेडकर संदेश आम्बेडकर की पत्नी। राजरत्न अशोक आम्बेडकर बाबा साहेब के भाई के पड़पोते और भारतीय बौद्ध समाज के अध्यक्ष हैं। अमिता राजरत्न आम्बेडकर राजरत्न आम्बेडकर की पत्नी।
अक्षय दिलीप अंबेडकर बाबा साहेब के भाई के परपोते, अक्षता दिलीप अंबेडकर बाबा साहेब के भाई की परपोती। अब जानिए बाबा साहेब अंबेडकर की पांचवी पीढ़ी के बारे में। यश संदेश अंबेडकर, संदेश और चारुशीला अंबेडकर के बड़े बेटे। मयंक संदेश अंबेडकर, संदेश और चारुशीला अंबेडकर के छोटे बेटे। प्रिशा राजरत्न अंबेडकर, राजरत्न और अमिता अंबेडकर की बेटी। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे बाबा साहब के परिवार और उनकी अब तक की पीढ़ियां। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।